जय सायाराम सब लोगों को। आज हम फिर से 3 दिन की क्लास लेके आपके सामने आए हैं। 10, 11, 12 मार्च यानी आज कल और परसों वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो मेन मेन टॉपिक है उसकी प्रेडिक्शन पिक्स आपको बताई जाएंगी। जैसे आपको मालूम पीयूष दुबे सर को कोई पहचान की जरूरत नहीं है, पीयूष दुबे सर 3 दिन क्लास लेंगे आपकी। सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्लास को पूरा सुनिए, समझिए और कोई डाउट आए तो लिखिए। जब डाउट सेशन स्टार्ट होता है क्लास के एंड में, उस समय हम आपको सबको चांस देते हैं आपके डाउट पूछने के, उस समय आपके हैंड रेस करें। अभी से अगर आप हैंड रेस करो तो क्या होगा, हमारा फ्लो खराब होगा और सर का मूड भी खराब होगा। तो आपका जो फ्लो और जो भी डाउट है आप लिखिए, क्लास के एंड में लेंगे। हाँ सर, चालू कीजिए। जी हाँ सर, आपको मेरा नमस्कार और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए हम लोग आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली फिर से मैं कहूँगा कि फ्री क्लास हो, मैं पेड की तरह ही पढ़ाता हूँ। जो लोग पहले कर चुके हैं वो जानते हैं, मैं फ्री में भी वो चीज़ें देता हूँ जो वाकई आपके काम आए। ऐसा नहीं कि फ्री क्लास में केवल आपका टाइम पास किया जाए। तो आप पूरी क्लास ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। और एंड तक सुनिएगा, क्या पता आप एंड तक ना सुने और कुछ छूट जाए। तो जो लोग पहले भाग जाते हैं ना बीच में, उनके लिए मैं बता दूं, एंड में मैं टाइमिंग का एक मेथड बताने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल मेथड होगा, इसलिए तो एंड तक सुनिए और इन्जॉय कीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशनशिप को लेकर, तो हम शुरू करते हैं कि आप पहली बात तो जो आज का टॉपिक होगा उसका जो मेन है कि एक तो मैं आपको टाइमिंग का एक मेथड बताऊंगा मैरिज को लेके, दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली आप कैसे देख सकते हैं कि आपके स्पाउस का क्या क्वालिटी हो और आप खुद क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में। तो 3 दिन का क्लास है, आज उसका एक पार्ट हम कवर करेंगे, फिर तो दूसरा पार्ट कल कवर करेंगे। 1 सेकंड मुझे दीजिएगा बस। सॉरी, तो हम आज देखेंगे कैसे हम रिलेशनशिप को देख सकते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे, आज उसका एक पार्ट हम कवर करेंगे, कल दूसरा कवर करेंगे। और टाइमिंग का मेथड मैं आपको बताऊंगा, आई थिंक बेसिक में थोड़ा सा कवर कर दूंगा, वैसे ज्यादातर लोग तो बेसिक अभी जान ही चुके, फिर भी बस 5 मिनट में हम एक बेसिक रिवाइज कर लेंगे, क्या साइन होते हैं, क्या प्लैनेट। तो पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है 12 हाउस पे बेस होता है, 12 भाव होते हैं, 12 राशि होती है, ठीक है। उसके 12 हाउसेज हैं, 12 साइन हैं और 9 प्लैनेट हैं, पूरा का पूरा इसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है, जिसमें हर हाउस के बेसिक सिग्निफिकेशन होते हैं। और जो चार्ट में नंबर लिखा होता है किसी पर्टिकुलर हाउस में, वो हाउस का नहीं होता, वो साइन का होता है। जैसे फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो लिब्रा हो गया, तुला। सेकंड हाउस में 8 नंबर लिखा है तो स्कॉर्पियो हो गया, वृश्चिक, इस तरीके से। तो इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल हेल्थ और लाइफ के बारे में बताता है, सेकंड हाउस फैमिली, बैंक बैलेंस, फूड, स्पीच के बारे में बताता है, थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रेवल, भाई बहनों के बारे में बताता है, पड़ोसियों के बारे में, फोर्थ हाउस आपका प्रॉपर्टी, गाड़ी और आपके मदर यानी माता के बारे में बताता है। हम इसको बस एक कवर कर रहे हैं, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। फिफ्थ हाउस आपका किड्स और एजुकेशन के बारे में, आपका डाइजेशन के बारे में, सिक्स्थ हाउस आपके लोन और एनिमी के बारे में, सेवन्थ हाउस रिलेशनशिप, बिजनेस और रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, एट्थ हाउस इन लॉज और ऑकल्ट के बारे में, नाइन्थ हाउस आपका टीचर, फादर और हायर नॉलेज के बारे में, टेंथ हाउस आपका कैरियर के बारे में, इलेवेंथ हाउस इनकम और सैलरी के बारे में, ट्वेल्थ हाउस बेडरूम के बारे में। तो 7th हाउस से हमें आज लेना देना, 7th हाउस आपका मैरिज होता है और स्पाउस के बारे में। उसी तरीके से 9 प्लैनेट होते हैं, सन, मून, मरकरी, जुपिटर, सबकी अलग अलग क्वालिटी है।
वीनस, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, ये 9 प्लैनेट हैं और 12 साइन होते हैं, 12 राशियां। ठीक है, हर साइन का एक नंबर होता है, तो जो चार्ट में नंबर लिखा होता है ना, वो बेसिकली साइन का होता है। वो नंबर आपको जरूर याद होना चाहिए। तो वन नंबर साइन कौन सा? एरीज। तो जहां भी वन नंबर लिखा होगा वो एरीज है। जहां पे टू नंबर साइन कौन सा है? टॉरस यानी वृषभ। तीन नंबर है जेमिनाई यानी मिथुन। चार नंबर है कैंसर यानी कर्क। पांच नंबर है लियो यानी सिंह। छह नंबर है वर्गो यानी कन्या। सेवन नंबर है लिब्रा यानी तुला। एट नंबर है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। नाइन नंबर है सेजिटेरियस यानी धनु। 10 नंबर है कैप्रिकॉन यानी मकर। 11 नंबर है एक्वेरियस यानी कुंभ। 12 नंबर है पाइसीज यानी मीन। ओके, ये साइन के नंबर हो गए और ये नंबर फिक्स होते हैं। और हर एक साइन का एक लॉर्ड होता है। एरीज का लॉर्ड है मार्स, टॉरस का है वीनस, जेमिनाई का है मरकरी, कैंसर का है मून, लियो का है सन, वर्गो का है मरकरी, लिब्रा का है वीनस, स्कॉर्पियो का है मार्स और केतु, दो लॉर्ड होते हैं। सेजिटेरियस का है जुपिटर, कैप्रिकॉन का है सैटर्न, एक्वेरियस के दो हैं सैटर्न और राहु, पाइसीस का है जुपिटर। ये हो गया, तो आपको ये नंबर जरूर पता होंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जिनको नहीं पता। अब इसी चार्ट में आप देखेंगे फर्स्ट हाउस में लिखा है 7 नंबर, तो ये हाउस फर्स्ट है, पर वो 7 नंबर कौन सा है? लिब्रा यानी तुला। जैसे हम आज बात करेंगे 7th हाउस, तो 7th हाउस है लेकिन नंबर क्या है? 1, मतलब 7th हाउस में राशि कौन सी है? एरीज यानी मेष। यहाँ पे 7th हाउस में कौन सी राशि आ रही है? 2 नंबर, टॉरस। भाई यहाँ पे ऊपर आप नंबर देख सकते हैं, 2 नंबर किसका है? टॉरस का। 1 नंबर किसका है? एरीज का। तो ये हो गया। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली होने वाला है कि 7th। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं कि साइन के सिग्निफिकेशन कैसे याद रखें। तो आपको हाउस के सिग्निफिकेशन याद कर लीजिए जो दिए हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये ऊपर, ठीक है? तो साइन के ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जो फर्स्ट हाउस का है वही 1 नंबर साइन एरीज का, जो सेकंड हाउस का वही 2 नंबर साइन टॉरस का है, जो थर्ड हाउस का है वही 3 नंबर साइन जेमिनाई का है, जो 4th हाउस का है वही 4 नंबर साइन कैंसर का है, जो 5th हाउस का है वही 5 नंबर साइन लियो का है। इस तरीके से तो ऊपर वो याद हो गया, साइन के ऑटोमेटिक याद हो गए। वो ऊपर सिग्निफिकेशन हो गया, उसके अलावा जो एडिशनल सिग्निफिकेशन है वो मैंने यहाँ PDF में लिखे हैं, तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं ऊपर से कर दे रहा हूँ क्योंकि आगे काम आएगा, अभी अब हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो जिसके पास नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ध्यान रखिएगा, जो 1 नंबर फर्स्ट हाउस का है वही 1 नंबर एरीज का होगा, जो सेकेंड हाउस का है वही 2 नंबर टॉरस का होगा। आई थिंक ले लिया होगा, इसका भी ले लीजिए, आप ले लीजिए, मजा आएगा भी आपको। इसका भी ले लीजिए, 12 हाउस पूरे हो जाने से। उसके बाद इसका ले लीजिए, साइन के नंबर और लॉर्ड से। तो हमको क्या करना होता है, और हाँ इसका भी ले लीजिए आप, हमें क्या करना है कि आपको अपनी मैरिड लाइफ देखनी, आप क्या चाहते हैं रिलेशनशिप, किस तरह का पार्टनर चाहिए। भाई हर इंसान का एक थॉट होता है कि हमारा पार्टनर इस तरह का होना चाहिए, या हर इंसान का एक एटीट्यूड होता है रिलेशनशिप, सोचने का तरीका, इवन रिलेशनशिप को लेके नहीं, किसी भी चीज़ को लेके, अपने कैरियर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके। वो अब 7th हाउस से देखते हैं, इसीलिए 7th हाउस नहीं कहते, हर हाउस को कहते हैं हिंदी में भाव, आपका फीलिंग। तो बेसिकली 7th हाउस में जो साइन या प्लेनेट बैठा होगा वो ये बताएगा कि रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप इमोशनल हैं,
आप ओवर पजेसिव हैं, आप डोमिनेंट हैं, क्या आप एग्रेसिव हैं, क्या आपने रिलेशनशिप को भगवान भरोसे छोड़ा। और फिर वही सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस का बिहेवियर भी बताता है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, जो आप सोचते हैं वही मैनिफेस्ट भी होता है। कहीं ना कहीं जो आपकी सोच होती ना वैसा ही पार्टनर आप अट्रैक्ट कर, बिल्कुल वैसा नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन काफी हद तक क्वालिटीज वही मिली। तो आज हम प्लेनेट नहीं देखेंगे सेवंथ हाउस, केवल साइन देखेंगे। तो ऊपर मैंने बताया ही आपको जो हाउस के सिग्निफिकेशन है वही साइन के सिग्निफिकेशन है, बस साइन के नंबर आपको याद होंगे। उसके अलावा कुछ एडिशनल सिग्निफिकेशन मैंने यहाँ और नोट कर दी, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे एरीज है एग्रेशन, पैशन, इम्पल्सिव, सडन, इनसिक्योर, न्यू बिगिनिंग, फोकस। टॉरस है आपका वेल्थ, स्पीच, टॉक, फेस, आईज, अभी इसको करेंगे हम, कब शॉर्ट ट्रेवल, एफर्ट, ये जेमिनाई का है, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स। कैंसर का इमोशन, मेंटल पीस, मदर, चीटिंग। लियो का सेक्रीफाइस, ईगो, एजुकेशन, किड्स, डिसिप्लिन। वर्गो का डिजीज, जॉब, हार्डवर्क, कॉन्फ्लिक्ट, कोर्ट केस, सेलिबेसी, फ्रीडम। लिब्रा का बैलेंस, जस्टिस, रिलेशनशिप, पिकी, पिकी मतलब होता है चूजी होना, कंप्लीशन, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ट्रांसफॉर्मेशन स्कॉर्पियो का है, अप्स एंड डाउन, हिडन सीक्रेट्स, मिस्टेक, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। सेजिटेरियस का रिलीजन, टीचर, फादर, हायर नॉलेज। कैप्रिकॉन का हार्डवर्क, हम्बल, कैरियर। एक्वेरियस का डिजायर, इनकम, ऑब्सेशन, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, बड़े भाई बहन। पाइसिस का हॉस्पिटल, फॉरेन, बेडरूम, कंफर्ट, लेट गो करना। तो इसकी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम आते हैं करना क्या। आप देखिए आपको चार्ट दिख रहा होगा, हर चार्ट में दो चार्ट ऐड है, हर चार्ट में सेवंथ हाउस में एक साइन लिखा है, किसी में प्लेनेट है किसी में नहीं। प्लेनेट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक, हमें आज प्लेनेट नहीं कंसीडर करना, हम सिर्फ साइन पे जाएंगे। तो पहला साइन लेते हैं फर्स्ट हाउस, सॉरी एरीज, वन नंबर लिखा सेवंथ हाउस। तो जिसके सेवंथ हाउस में वन नंबर लिखा होगा ना, उस इंसान का थॉट प्रोसेस कैसा होता है रिलेशनशिप, पहली बात तो इस इंसान का पूरा फोकस रिलेशनशिप को लेके हो, पूरा ध्यान रिलेशनशिप के लिए होगा। रिलेशनशिप के लिए इंसान कुछ भी कर सकता, उसका दिमाग वहीं अटका रहेगा। और एरीज यानी मेष राशि जिसके सेवंथ हाउस में, वो इंसान बहुत इनसिक्योर होता है रिलेशनशिप के लिए, हमेशा उसके दिमाग में एक इनसिक्योरिटी रहती, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा। जिसका एरीज होगा सेवंथ हाउस में ओवर पजेसिव भी हो, मेरे स्पाउस को कोई देख तो नहीं लेगा, किसी को पता तो नहीं चल जाएगा मेरे रिलेशन का। और एरीज सेवंथ हाउस में तो इंसान इंपल्सिव होता है, इंपल्सिव मतलब जल्दीबाजी, बिना सोचे समझे ज्यादा रिलेशनशिप में डिसीजन ले लेगा। उस इंसान ने अगर सोच लिया ना कि इससे रिलेशन करना है तो करना है, तो करना है, जो दिमाग में आ गया बस। ऐसे लोगों का रिलेशनशिप सडनली स्टार्ट होता है अचानक, और सडनली ब्रेकअप भी हो जाता। एरीज सेवंथ हाउस में हो जाए तो इंसान डोमिनेटिंग नेचर का होता है, हमेशा डोमिनेट करना चाहता है पार्टनर, वो इंसान सोचेगा चले तो हमारी चले वरना किसी। एरीज सेवंथ हाउस में होगा ना तो इंसान हमेशा लीडरशिप रोल में होगा, हमेशा सब कुछ खुद करना चाहेगा रिलेशनशिप, वो इंसान ये भूल जाता है कि रिलेशनशिप दो लोगों को बैलेंस बना के चलना है, ये नहीं कि अकेले हम ही आगे आगे था। आप देखिएगा एरीज जिसका सेवंथ हाउस में, मार्स जिसका सेवंथ हाउस में,
जब वो कपल चल रहे होंगे ना, तो जिसका एरीज 7th हाउस में हमेशा आगे आगे चलता है, उसका बिहेवियर होता है बहुत जल्दी जल्दी, वो आपको उसके चलने के तरीके से वॉक करने से पता चल। और जिसका एरीज 7th हाउस में होगा वो कुछ ना कुछ अपने रिलेशनशिप में नया करता है यूनिक, क्योंकि एरीज न्यू बिगनिंग, तो जो उनकी फैमिली और नोन में लोगों ने नहीं किया होगा। जैसे किसका एरीज होगा, लिब्रा असेंडेंट होगा, उन्हीं का एरीज आएगा, तो जैसे लव मैरिज करना या कुछ ना कुछ ऐसा करना रिलेशनशिप को लेके जो फैमिली या नोन में किसी ने ना किया, कुछ ना कुछ अलग है। और एरीज 7th हाउस में हो जिसका, वो इंसान बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है रिलेशनशिप को, ये हो गया एरीज। आप देखिए एरीज जिसका 7th हाउस में होगा, उसका फीलिंग ये होगा रिलेशनशिप, और उसको जो स्पाउस मिलेगा उसमें भी यही क्वालिटी होती है, उनका स्पाउस भी शॉर्ट टेम्पर्ड, एग्रेसिव, इनसिक्योर, इस तरीके से हो। इसी तरीके से एरीज के अलावा टॉरस हो किसी का 7th हाउस में, 2 नंबर, हालांकि यहाँ एग्जाम्पल में नहीं है, ठीक है, किसी की 7th हाउस है मान लेते हैं, 2 नंबर लिखा टॉरस, यहाँ पे 1 की जगह 2 नंबर लिखा, तो टॉरस के सिग्निफिकेशन देखो, टॉरस के क्या है, फैमिली, बैंक बैलेंस, फूड हैबिट, स्पीच। तो ऐसे इंसान का एटीट्यूड क्या होगा कि उनका जो पार्टनर, उनका एटीट्यूड होगा रिलेशनशिप को लेके, जो पार्टनर हो फैमिली ओरिएंटेड हो, वो इंसान सोचे फैमिली का ध्यान रखेंगे, खाना पीना अच्छा बना पाते। और ऐसे इंसान के लिए कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट मैटर होता है, उनको लगता है कि अगर दोनों पार्टनर के बीच में बातचीत ना हो, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस ना कर पाए, तो क्या फायदा है ऐसे रिलेशन। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है अगर किसी का यहाँ 2 नंबर लिखा टॉरस। पैसा, टॉरस सेविंग्स है, उनके लिए उनको लगता है कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन या ठीक ठाक सेविंग नहीं होगा तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा, उनके लिए फाइनेंशियल कंडीशन भी एक इंपॉर्टेंट इशू। और इनका पार्टनर भी ऐसे ही मिले, फैमिली ओरिएंटेड होगा, खाना बनाने का शौक होगा, खाने का शौक होगा, फाइनेंस, फाइनेंसेस की तरफ उसका ध्यान होगा कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा मनी माइंडेड भी हो सकता है। ऑफ कोर्स वहां बैठे प्लेनेट और उसका लॉर्ड भी देखेंगे, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, बट हमारा फोकस आज सिर्फ साइन पे, उसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, मेरा सैटर्न तो बैठा है, और ना ही क्वेरी पूछेगा उससे, क्वेरी वही पूछेगा जो पढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि पूरा प्रिडिक्शन करने के लिए तो पूरा चार्ट देखना पड़ता है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है हम उस पर फोकस करें। अब मान लेते हैं किसी का जेमिनाई आ जाए, 3 नंबर, 3 नंबर साइन है 7th हाउस, 3rd हाउस किसका होता है, जेमिनाई साइन एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे इंसान को रिलेशनशिप के लिए काफी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। ओके, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना हैंड काउंट कीजिए। और जेमिनाई साइन सिबलिंग्स का होता है, इनकी मैरिड लाइफ में सिबलिंग्स का रोल प्रोमिनेंट हो सकता है, हो सकता है सिबलिंग्स की मदद से या सिबलिंग के सपोर्ट से हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। या सिबलिंग का इन्वॉल्वमेंट बहुत प्रोमिनेंट। जेमिनाई साइन डिप्लोमेसी का है, आपने ऊपर पढ़े होंगे, तो ऐसा इंसान रिलेशनशिप में डिप्लोमेटिक होता है। जेमिनाई साइन कम्युनिकेशन का होता है, किसी का 3 नंबर लिखा है 7th हाउस में, वो इंसान क्या होगा, उसके लिए भी कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट मैटर, उसको लगता है कि पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए,
हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए, वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। जेमिनाई साइन आपके पड़ोस का होता है, हो सकता है आपका जो मैरिज हो, ऐसे इंसान का थॉट ये भी होता है, शादी घर के पास ही होनी चाहिए, दूर नहीं। जिसका 3 नंबर साइन, उसका थॉट ये भी रहता है ज्यादा दूर नहीं करनी मैरिज। लेकिन जेमिनाई साइन वाले थोड़ा डिप्लोमेटिक होते हैं रिलेशनशिप को लेके, थोड़ा सेल्फिश होंगे। 7th हाउस में जेमिनाई है तो सेल्फिश होगा, हमेशा अपना फायदा देखेगा रिलेशनशिप। जैसे मुझे एक लेडी का चार्ट याद है, तो कह रही थी सर आज भी मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, कोई काम कहेंगे ना करने के लिए तो पहले कहेंगे तू मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा ये कर दूँ, इतने साल होने के बाद भी कहेंगे। तो उनको स्पाउस भी ऐसे ही मिलेगा, उनका स्पाउस टॉकेटिव होगा, बहुत बात करने वाला, थोड़ा डिप्लोमेटिक या सेल्फिश होगा। ये जेमिनाई, हम मान लेते किसी का 4 नंबर, अगर जिसका 4 नंबर होगा ना, 4th हाउस के सिग्निफिकेशन देखिए, अगर यहाँ पे 1 की जगह 4 लिखा हो, तो ऐसा इंसान रिलेशनशिप को लेके बहुत इमोशनल होगा। उसका थॉट ये होगा कि वो इंसान खुद तो इमोशनल होगा पार्टनर को लेकर, इमोशनल भी होगा, केयरिंग भी होगा। 4 नंबर किसका होगा जिनका 10 नंबर लगन में हो कैप्रिकॉर्न, तो बहुत इमोशनल और केयरिंग होगा। उसका थॉट होगा कि पार्टनर भी इमोशनल और केयरिंग होगा, उसको ये लगेगा उसका पार्टनर उसके मदर की जैसे क्वालिटी वाला होगा, जो मदर की तरह माँ की तरह उनका ख्याल। अच्छा 4 नंबर साइन आता है ना 7th हाउस, तो ऐसा इंसान थोड़ा मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम होता है रिलेशनशिप। अब अच्छा 4 नंबर साइन जब 7th हाउस में हो, तो इंसान जो है रिलेशनशिप से ही सारे कंफर्ट ढूंढता है, तो इनको पार्टनर भी ऐसे ही मिलेगा। पार्टनर इनका बहुत इमोशनल होगा, बहुत केयरिंग होगा, बहुत ध्यान रखने, और कहीं ना कहीं पार्टनर ना कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल वाला, 4 नंबर साइन कंफर्ट का, उसको आराम पसंद। और इनकी मैरिड लाइफ में ना इनकी मदर का रोल बहुत प्रोमिनेंट होता है, या तो मदर के सपोर्ट से मैरिज होगा या मदर का रोल बहुत ही प्रोमिनेंट। और जो इनका पार्टनर होता है वो भी अपने मदर से बहुत अटैच, 4 नंबर साइन, क्योंकि पार्टनर में भी वही क्वालिटी मिलेगी। और 4 नंबर साइन मेंटल पीस का होता है, तो ऐसे इंसान को रिलेशनशिप में ही सुकून मिलता है। और इनका पार्टनर भी ऐसे ही होगा, उसकी लाइफ में भी मेंटल पीस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा, उसको सुकून चाहिए। मान लेते हैं 5 नंबर आ गए लियो, तो लियो के सिग्निफिकेशन क्या है? यहाँ पे अगर 5 नंबर लिखा है तो लियो के सिग्निफिकेशन है बच्चे, किड्स, डाइजेशन। अच्छा और भी चीजें आप देख सकते, जैसे मान लेते हैं उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट भी, किसी का 3 नंबर लिखा हो 7th हाउस में, तो आपके पार्टनर को शोल्डर या नेक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। 4 नंबर लिखा तो चेस्ट या लंग्स में कभी ना कभी कोई ना कोई इशू जरूर होगा उसको देर सभी। तो मान लेते हैं किसी का 5 नंबर लिखा, तो लियो, लियो साइन किड्स का है, एजुकेशन का है, डाइजेशन का है, क्रिएटिविटी का है, तो ऐसे इंसान का थॉट प्रोसेस ये होगा कि, और लियो का लॉर्ड सन होता है कि पार्टनर बोल्ड और कॉन्फिडेंट, एजुकेशन मतलब पढ़ा लिखा हो, इनका पार्टनर भी ऐसे होगा उसका ध्यान एजुकेशन पे ज्यादा हो, बच्चों से उसको बहुत अटैचमेंट हो। और लियो साइन डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनर को डाइजेशन में कुछ ना कुछ इश्यू जरूर आएगा,
डाइजेशन में या पेट में या पीठ के ऊपर के हिस्से में। मतलब उस सेवेंथ हाउस के साइन से आप ये तो देख पा रहे हैं कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, और पार्टनर का क्वालिटी तो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी पूरी लाइफ आपको पता चल, उसका फोकस किधर है। सिक्स नंबर आ गया तो सिक्स हाउस किसका है, वर्गो साइन आ गया। तो वर्गो साइन के क्या सिग्निफिकेशन, जॉब, कॉन्फ्लिक्ट, हार्ड वर्क, सेलिबेसी, सेलिबेसी मतलब फ्रीडम, एग्रीकल्चरल लैंड, पेट एनिमल्स। सिक्स हाउस लोन का कर दो, तो जिसका वर्गो सिक्स हाउस में आ गया ना कन्या राशि, उसको ये लगेगा पार्टनर जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, हार्ड वर्किंग। बट उसको ये भी लगता है कि रिलेशनशिप में फ्रीडम भी पूरी होनी चाहिए, और कहीं और वर्गो साइन आ गया तो वर्गो साइन का बिहेवियर होता है एनालिटिकल, नुक्ताचीनी करना। तो ऐसा इंसान रिलेशनशिप में लेके बहुत एनालिटिकल होता है, हर एक छोटी छोटी बात पे ध्यान देगा, ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। इवन ऐसे इंसान के तो आप रिश्ता भी लेकर आए उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां निकालता है। और जो इनका पार्टनर होगा वो भी ऐसे ही होगा, ओवर एनालिटिकल, बाल की खाल उठे। पार्टनर का हैबिट होगा उसको परफेक्शन चाहिए हर काम। जो इनका पार्टनर होगा उसको सेल्फ डाउट का प्रॉब्लम होगा, कॉन्फिडेंस कम होता है, उसको डाउट बहुत रहता है। और सेवेंथ हाउस वर्गो वालों का पार्टनर ऐसा होता है उनके पास स्किल बहुत होती है बट उतना सक्सेस नहीं मिल पाता जितनी स्किल होती, सेल्फ डाउट की वजह से। और पार्टनर जॉब ओरिएंटेड हो सकता है, हार्ड वर्किंग होगा, जॉब करने वाला हो सकता है, या जॉब उसकी लाइफ में प्रोमिनेंट थीम होगा, या तो वो जॉब में होगा या उसको जॉब मिल ही नहीं रही होगी बेचारे उनके पार्टनर, उसको लोअर बैक में और लोअर एब्डोमेन में कोई ना कोई इशू हो सकता। इनके पार्टनर को पेट एनिमल्स, पालतू जानवरों से लगाव, फार्मिंग का शौक हो, गार्डनिंग का शौक हो सकता। किसी का सेवन नंबर जैसे यहाँ पे लिब्रा है, सेवन नंबर साइन हो जाए ना तो सेवन नंबर साइन बैलेंस का होता है, वो इंसान बहुत बैलेंस्ड होता है रिलेशन। बहुत सोच समझ के रिलेशनशिप में डिसीजन लेगा, जल्दी डिसीजन ले ही नहीं पाता रिलेशनशिप को, उसके पास चेकलिस्ट बहुत होती है नखरे, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, ये होना चाहिए पार्टनर, वो होना चाहिए, इतने नखरे होते हैं ना जिसका सेवन नंबर साइन, जल्दी सोच डिसाइड ही नहीं कर पाते किससे करना। इनका पार्टनर भी ऐसे होगा, उसके नखरे बहुत, बैलेंसिंग नेचर का होगा, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेगा, कई बार तो डिसीजन ले ही नहीं पाते, कंफ्यूज, कॉन्फिडेंस का बहुत कमी होगा पार्टनर। पार्टनर बिजनेस माइंडेड हो सकता है, उसका ध्यान बिजनेस पे जाता होगा। सेवन नंबर साइन किडनी और रिप्रोडक्टिव पार्ट का होता है, पार्टनर को किडनी या रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। एट नंबर किसी, तो ऐसा इंसान बहुत सीक्रेटिव होगा रिलेशनशिप को लेकर, जल्दी बताएगा नहीं अपने रिलेशनशिप के बारे में, ओवर पजेसिव होगा, इनसिक्योर रहता है हमेशा, डर रहता है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, सोचता बहुत ज्यादा रिलेशनशिप को लेकर, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, अननेसेसरी चिंता करते। और ऐसे लोग भी ओवर एनालिटिकल होते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में सोचते हैं, अगर इनके लिए भी कोई रिश्ता लाए आप तो उसमें ये ऐसा है वैसा है, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए वैसा चाहिए, इसी वजह से मैरिज में डिले होता रहता। इनका पार्टनर भी ऐसे होगा, डेप्थ में सोचने वाला, सीक्रेटिव, जल्दी बातें शेयर नहीं करते, इमोशनल अप्स एंड डाउन बहुत होंगे पार्टनर। इन एट साइन इन लॉस का होता है, तो इनकी मैरिड लाइफ में इन लॉस का रोल बहुत प्रोमिनेंट होगा, या तो इन लॉस के सपोर्ट से शादी होगी या इन लॉस का इंटरफेरेंस बहुत है। एट नंबर साइन एनस और रेक्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो इनके पार्टनर को पाइल्स है, फिस्टुला है, या एनस या रेक्टम का कोई इशू है, गुदा भाग। इनहेरिटेंस मिल सकता है इनको मैरिज में इन लॉस की तरफ से अपनी फैमिली से, या इन लॉ इनके मैरिड लाइफ में इनहेरिटेंस को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है,
क्योंकि 8 नंबर साइन इनहेरिटेंस का। नाइन नंबर आ जाए किसी, जैसे इसमें तो 6 नंबर है, 5 नंबर हम कर चुके, 5 नंबर यहां भी, 9 नंबर आ जाए, तो 9 नंबर टीचर का। ऐसे लोगों को लगता है कि उनका पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसमें टीचर वाली क्वालिटी हो, जो उनको गाइड कर पाए, रास्ता दिखा पाए, जिसके पास ज्ञान हो, समझदार हो, मैच्योर हो। उसको ज्ञान से मतलब हो, कपड़े से, लुक से, दिखावे से नहीं। और ऐसे लोग जल्दी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ध्यान जो है फीलिंग्स पे कम होता है, ज्ञान पे ज्यादा होता है। तो इनको पार्टनर भी ऐसे मिल जाता है, बहुत समझदार, बहुत ज्ञानी, उसका ध्यान लुक्स पे कम होता है, ज्ञान पे ज्यादा होता है, उसके अंदर टीचर वाली क्वालिटी होती है। इनका पार्टनर ऐसा होगा, बार बार इनको समझाता रहेगा, ये करो, वैसा करो, वैसा करो। और ये खुद भी पार्टनर को समझाते रहते हैं, ये ऐसा करो, वैसा करो, टीचर की तरह। और 9 नंबर साइन फादर और गुरु का है, तो गुरु और फादर का रोल बहुत प्रोमिनेंट होता है। या तो उनके ही इंटरफेरेंस से मैरिज होगा, या उनका इंटरफेरेंस कंटिन्यू रहेगा मैरिड लाइफ, या गुरु फादर या फादरली फिगर कोई। नाइन नंबर साइन रिलीजियस तीर्थ यात्रा का भी है, तो इनका पार्टनर तीर्थ यात्रा में इंटरेस्टेड हो, रिलीजियस ट्रेवल, पिलग्रिमेज में। टेन नंबर कैप्रिकॉन कैरियर का साइन, टेन नंबर साइन जिसका आ जाए ना, वो इंसान बहुत डेडिकेटेड होता है रिलेशनशिप, बट इतना डेडिकेटेड होता है बट कभी इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पाता। और ये इंसान कितना भी कर ले अपने पार्टनर के लिए, उसको पार्टनर से अप्रिसिएशन या क्रेडिट नहीं मिलता। और ऐसे इंसान के लिए कैरियर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं मैरिज हो गया तो कैरियर आगे ना बढ़ पाए, या कई बार मैरिज में डिले इसलिए होता है कि पहले कैरियर सेट कर ले तब मैरिज करें। और इनका पार्टनर भी ऐसी मिलेगा, हार्ड वर्किंग होगा बहुत, कैरियर पे उसका फोकस ज्यादा होगा। इनके पार्टनर को भी यही लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैरिज हो गया तो कैरियर तो बंद नहीं हो जाएगा, शादी के बाद कहीं घर वाले काम ही ना करने, खासकर लड़कियां हैं तो। मतलब कैरियर एक इंपॉर्टेंट थीम है। और कैप्रिकॉन साइन नी ज्वाइंट है, तो पार्टनर को नी ज्वाइंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इनका पार्टनर ही बहुत कोल्ड एटीट्यूड का होता है, इनकी तरह अपने इमोशंस या फीलिंग जल्दी शेयर नहीं करता। सर आप म्यूट हो गए हो, यू सर। हाँ सर, एक सेकंड, ओके ठीक है। तो ये हो गया कैप्रिकॉन। सर एक मिनट रुकते के मैं क्लास का बताया था, फिर आप ले लीजिए जी। एक आपका मैं तो लंबा स्टॉप, चलने लगता है आज। हाँ लंबा चलेगा, अभी बहुत चीजें बाकी। हाँ वेट किए सर, की क्लास आ रही है इसी टॉपिक के ऊपर, एक दिन की सिर्फ, जो परसों संडे को आ रही है 12 तारीख को, सिर्फ एक ही दिन की क्लास है, सिर्फ रिलेशनशिप और चाइल्ड बर्थ के ऊपर। रिलेशनशिप मतलब ये शादी, बाल बच्चे, डाइवोर्स, अफेयर, ये सब इसमें कवर हो जाएगा। इसकी जो 12 बजे 12 तारीख को एक क्लास है, सुबह 11:30 बजे से चालू होंगी और 2:30-3 बजे तक क्लास चलेंगी। इसकी जो फीस है, इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 999 है, लेकिन इसके लिए 55% का डिस्काउंट रखा गया है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे से बहुत सारे लोग इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, इसके हम लोग ये सब डिस्काउंट रखते हैं। जो रात के 12 बजे के पहले जो किस्त भरेगा उनके लिए 55% डिस्काउंट रहेगा। 4, 5, 6 जो रात के 12 बजे के पेमेंट करेंगे उस 12 बजे के पहले, उसके लिए जो फीस रहेंगी 456 रुपये। 4, 5, 6 ये क्लास एक ही दिन की है, परसों यानी संडे को, आने वाले संडे को क्लास है 12 तारीख को। इसके जो टाइमिंग रहेगा 11:30 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक क्लास चलेंगी, एक ही दिन की क्लास है। तो इसमें आपको हम लोग रिकॉर्डिंग और PDF देंगे, सर्टिफिकेट इस क्लास में नहीं दी जाएंगी। इसके जो कोर्स कंटेंट है वो अभी आपको फ्यूचर समझा देंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो रात के 12 बजे पेमेंट करेगा उनके लिए 55% का डिस्काउंट है, उनके लिए फीस रहेंगी 4, 5, 6 456 रुपये। तो थोड़ा कंटेंट बता दीजिए सर। हाँ, इसमें हम मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड सारी चीजें कवर करेंगे। डिले मैरिज है, लव मैरिज के योग है, अरेंज मैरिज का है,
स्पाउस का नेचर कैसा होगा, स्पाउस किस जगह मिलेगा, वो जगह कैसे प्रिडिक्ट करें, लोग आपसे पूछते हैं ना कहाँ मिलेगा, कहाँ जाएं देखने, तो आप एक्यूरेटली वो जगह प्रिडिक्ट कर पाएंगे, वो लोकेशन कैसी होगी, मैरिज होगी कि नहीं होगी, डिनायल है तो उसके योग क्या है, टाइमिंग कैसे करें मैरिज का, डिवोर्स का टाइमिंग, प्रॉब्लम है चाइल्ड बर्थ का तो उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन है, चाइल्ड बर्थ के लिए टाइमिंग कैसे करें, डिले मैरिज के लिए रेमेडी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसके लिए रेमेडी, चाइल्ड बर्थ के लिए रेमेडी, और डायरेक्शन भी बताएंगे किस डायरेक्शन में मिलेगा आपको स्पाउस, स्पाउस का प्रोफेशन कैसे देखें, इन लॉस से क्या प्रॉब्लम है ये भी देखें, और मैं इसमें एक टाइमिंग का जो टेक्निक होगा बहुत सिंप्लीफाइड टेक्निक बताऊंगा, बहुत ईजिली आप टाइम कर, जिसमें एक एग्जाम्पल मैं आज आपको दूंगा भी, उससे भी आप कर पाएंगे, तो ये पूरा आपका कवर हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मैं आपको एक टेक्निक ये भी बताऊंगा कि आप छोटे छोटे रिलेशनशिप जब होने लगे ना अफेयर, पहला बॉयफ्रेंड ऐसा है, दूसरा गर्लफ्रेंड ऐसा है, तीसरा ऐसा, वो सारा भी आप बता पाएंगे, पहला वाला ऐसा रहा होगा, दूसरा ऐसा रहा होगा, तीसरा ऐसा रहा होगा, चौथा ऐसा रहा होगा, तो वो भी मैं आपको और इसमें सब रेमेडी भी पूरी कवर की जाएंगी जी। और चाइल्ड वाली जितने भी मैरिज रिलेशनशिप में जितनी भी चीज आती है वो सब चीज एक ही कोर्स में कवर होंगी आपकी, सिर्फ जो क्लासेस सब उसी चीज के लिए है, रिलेशनशिप एंड चाइल्ड बर्थ के ऊपर। एक क्लास सिर्फ एक ही दिन की, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक ही दिन की क्लास है जो परसों संडे आने वाला है, संडे को क्लास रहेंगी 12 मार्च के दिन सुबह, जो टाइमिंग इसका 11:30 बजे से लेकर 2-3 बजे तक क्लास चलेंगी। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 999 है, लेकिन जो रात के 12 बजे तक पेमेंट करेंगे उनके लिए 55% डिस्काउंट है, उनके लिए डिस्काउंटेड फीस रहेंगी 456,456 रुपए। जिसको इंटरेस्ट है वो हमारे हमारी बैंक डिटेल आपके सामने, इसमें आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हो। हमारा कोई क्यूरी है, कोई आपको कुछ कंटेंट पूछना है, कुछ भी सवाल है आपके मन में, तो मेरे नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। मेरा नंबर है 9903695। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर भी यही है। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भी यही नंबर पे भेजना है, नहीं ऑल इन वन एक ही नंबर है हमारे पास, सब कुछ आपको इसी से करना है। थैंक यू, ऐसे चालू रखिए जी। ठीक है, तो हमने 10 तक कर लिया, मान लेते हैं किसी का 11 नंबर, 7000, जैसे ये देख 11 नंबर राशि कुंभ राशि, कुंभ राशि इनकम की है, सैलरी की, और फ्रेंड्स की है, एल्डर सिबलिंग्स, तो ऐसे इंसान का थॉट क्या होगा कि उनके लिए इनकम एक प्रोमिनेंट इशू होगा, ऐसा इंसान ना ये हमेशा ये सोचेगा कि मैरिज के बाद इनकम होगी कि नहीं, स्पाउस वर्किंग होगा कि नहीं, उनका स्पाउस उनके फ्रेंड सर्कल से ही हो सकता है या उनके एल्डर सिबलिंग का रोल बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। दूसरा, 11 नंबर साइन वाले भी जल्दी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और बहुत डिवोटेड होते हैं रिलेशनशिप, तो इनका जो स्पाउस होगा उसका भी ध्यान इनकम सैलरी पे ज्यादा होगा, इनका कोई फ्रेंड ही हो सकता है। और इनकी मैरिड लाइफ में एल्डर सिबलिंग्स का, बड़े भाई बहनों का या इनके किसी ना किसी फ्रेंड का रोल प्रोमिनेंट होगा, उसके सपोर्ट से मैरिज होगा, उसका इंटरफेरेंस रहना, इस तरीके से। 12 नंबर मान लेते हैं किसी का 12 नंबर साइन है, आप ऊपर देखेंगे 12 नंबर साइन किसका, हॉस्पिटल, बेडरूम, कंफर्ट, फॉरेन ट्रेवल, लेट गो कर, ऐसा हैबिट होता है पहला इन लोगों का कि जिसका 12 नंबर साइन वो मैरिज को भगवान भरोसे छोड़ देता है, टाइम पहले तो एफर्ट लगाएगा फिर उसके बाद भगवान भरोसे छोड़ देगा कि जो होगा अब देखा जाएगा मैरिज। इवन शादी होने के बाद कई बार भी ये लोग रिलेशनशिप को भगवान भरोसे छोड़ कि अब जो होगा देखा जाएगा, तो इनका मैरिज, और 12 नंबर साइन डिवाइन का होता है, पूर्वजों का, पितरों का, तो इसीलिए जब ये भगवान भरोसे छोड़ देते हैं ना तो कई बार इनका शादी होता भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से, उसे आप एक तरीके से पितरों का आशीर्वाद समझ लीजिए, पूर्वजों का। इनका थॉट कई बार ये भी होता है पार्टनर फॉरेन का हो तो अच्छा, इमोशनल भी होते हैं पार्टनर को, इनका पार्टनर भी ऐसी होगा या तो फॉरेन का होगा या उसका भी हैबिट होगा कि भगवान भरोसे चीजों को छोड़ के चलना, लेट गो करके, जो होगा देखेंगे जिंदगी में, ऐसी आगे बढ़। 12 नंबर साइन हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो सकता है डॉक्टर हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड या हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड काम करता हो, या उसको हेल्थ इश्यूज बार बार रहते हो तो हॉस्पिटल पे खर्चा बहुत। 12 नंबर साइन खर्चों का है, तो इनका पार्टनर खर्चे भी बहुत। 12 नंबर साइन फीट का है, तो पैरों को लेके कुछ ना कुछ इशू हो सकता है।
इस तरीके से अभी तो हमने केवल साइन देखे हैं, साइन से आप समझ जाएंगे आप क्या चाहते हैं रिलेशनशिप और आपका पार्टनर कैसा हो और ओवरऑल मैरिड लाइफ का थीम क्या है। इसके अलावा अब मैं आपको एक टाइमिंग का भी मेथड बताऊं, स्नैपशॉट। टाइमिंग करने के लिए आप लोग परेशान रहते, आपको रिलेशनशिप का टाइमिंग करना है ना, तो आपको जो सेवेंथ हाउस में साइन है उसका नंबर देख, 10 है तो 10 नंबर, 5 है तो 5 नंबर, फिर उसमें 8 प्लस कर देना। मान लेते हैं 10 आया तो 10 प्लस 8 18 हो गया, फिर उसमें प्लस 5 करते जाना और माइनस 5। तो जो ईयर निकल के आएंगे ना उसी में से किसी एक ईयर में आपका मैरिज हुआ हो उसमें आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, उसके लिए तो आपको दशा ट्रांजिट फिट करना आना चाहिए, ट्रांजिट से आप कर लेंगे, बट इससे आप ये पता कर लेंगे साल अप्रोक्सीमेट आप निकाल लें। जैसे मैंने लिया सेवेंथ हाउस में कैप्रिकॉन बैठा है, तो कैप्रिकॉन का नंबर क्या होता है 10, तो 10 नंबर उसमें ऐड क्या करना है, प्लस क्या करना है 8, हमेशा 8 ही ऐड करना, तो 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, तब 18 में मैंने 5 ऐड किया 23, 23 में 5 ऐड किया 28 में 5 ऐड करेंगे 32, 32 में 5 ऐड करेंगे 37, उसके अलावा 18 में 5 माइनस भी कर सकते थे, 18 में 5 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, 13 में 5 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो अब क्या करेंगे आप, या तो 18 या 23 या 28 या 32 में मैरिज होने के चांस, अब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जैसे 23 आया 23 की जगह 22.5 में हो गया हो, 23.5 में हो गया, 28 की जगह 27 में हो सकता है, 28.5 में हो सकता है, 32 की जगह 31.5 में हो सकता है, इतना डिफरेंस आ सकता है, बट अप्रोक्सीमेट प्लस माइनस 6 मंथ या एक साल, किसी किसी केस में ज्यादा हो सकता है बट ज्यादातर 75% केस में आप इससे टाइमिंग कर। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, सेवेंथ हाउस में 3 नंबर साइन था जेमिनाई, उसमें क्या ऐड किया 8 ऐड किया, 11 आया 11, 11 में 5 ऐड किया 16, तो 11 में हो सकता है मैरिज या 16, 16 में 5 ऐड किया 21, 21 में 5 ऐड किया 26, 26 में 5 ऐड किया 31, 31 में 5 ऐड किया तो 36, प्लस माइनस 5 कर। माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादातर, क्योंकि हार्डली क्या होगा, सेवन हाउस में ज्यादा ज्यादा कौन सा साइन आ सकता है, 12 नंबर, 12 में 8 ऐड किया तो 20 हो गया, अमूमन आजकल 20 के बाद ही मैरिज, तो 20 में 5 ऐड किया 25, 30, 35, तो या तो 20 में होगा या 25 में होगा या 30 में होगा, 8 में 5 ऐड किया, मान लेते हैं 8 में 8 ऐड किया तो 16 आया, 16 में 5 ऐड किया 21, 21 में 5 ऐड किया तो 26, तो करना कुछ नहीं है, बस आपने सेवेंथ हाउस में जो साइन बैठा उसका नंबर देख लिया, उसमें 8 ऐड कर दिया, उन 8 को ऐड करके जो टोटल आया उसमें 5 और 5 ऐड करते जाए, वो जितने एज आएंगे उनमें से ही एक एज मैरिज का हो। अब कॉमन सेंस की बात है, आप जैसे मान लेते हैं यहीं पे 11 आया तो कब तक ऐड करेंगे, 36, 40, इससे ज़्यादा डिले तो हार्डली आपको मैरिज मिलता है ना, या तो फिर होगा ही नहीं, तो इनमें से कोई ना कोई एक एज में आपको मैरिज का एज मिल जाएगा प्लस माइनस 6। जैसे यहाँ पे 11 नंबर है, 11 में 8 ऐड किया तो 17, अब 17 में 5 ऐड कीजिए 22, 22 में 5 ऐड कीजिए 27, 27 में 5 ऐड कीजिए 32। जैसे यहाँ पे 6 नंबर है, 6 में 8 ऐड किया 14, 14 में 5 ऐड कीजिए 19, 19 में 5 ऐड कीजिए 24। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है, जैसे यहाँ पे आया था 11, 16, 21, 26, 31, तो मान लेते हैं किसी का मैरिज 31 में हो रहा हो, 30, 31 के आसपास, तो जो पहले की एज है वहाँ पे क्या हो सकता है, हो सकता है 26 में कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रहा हो, ब्रेकअप हो गया हो, या कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप शुरू हुआ हो बट मैरिज में नहीं कन्वर्ट हो पाया, या 26 में कोई प्रपोजल आया हो भले फ्रूटफुल नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ एक सीरियस इवेंट हो सकता है, 21 में कोई प्रपोजल आ सकता है भले मैरिज नहीं हो, तो जो एज पीछे निकल जाएगी जिसमें मैरिज नहीं भी हो रहा उसमें भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर है। इससे आप टाइमिंग कर सकते हैं, एटलीस्ट ईयर तक तो पहुंच ही सकते हैं ना। मान लेते कोई आपके पास क्लाइंट आया, दशा ट्रांजिट नहीं देखने का टाइम, चार्ट भी देखने की जरूरत है, आप उससे बोलिए भाई आपका लगन क्या, उसने कहा कैप्रिकॉन, तो आपको पता ही है 10 नंबर लगन है तो 7th हाउस में क्या है 4 नंबर कैंसर, तो आपने दिमाग में क्या कैलकुलेट कर लिया 4 प्लस 8 12,
12, 5, 17, 17, 5, 22 इस तरीके से। अब आपने उसका पूछा एज कितनी है, तो मान लेते हैं आपने एज निकाल ली 11, 16, 21। अब वो जब आपके पास आया तो उसका एज 21 हो चुका है, तो ऑब्वियसली बात है पहले वालों को कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं, 21 हो चुका तो आप सीधे कह देंगे 26 साल के रहूंगे। है ना इजी, मैंने पहले ही कहा था हर बार मैं कुछ ना कुछ नया देता। ये टाइमिंग का मेथड, तो आज हमने एक चीज देखी केवल साइन बेस पे कैसे चेक करें, और टाइमिंग का एक मेथड भी। इसी तरीके के बहुत सारे मेथड हमारे उस क्लास में भी होंगे, और अभी 3 दिन की क्लास बाकी, इसमें भी बहुत सारी चीजें और कवर करेंगे। चलिए आप लोगों का क्वेरी ले लेते हैं, अभी मुझे पता है बहुत सारा क्वेरी इस टाइमिंग को लेके आने वाला। जिसको डाउट होगा एड्रेस कर लीजिए, आपकी जो भी डाउट आप लोग पूछ सकते हैं एड्रेस कीजिए। एक बार से मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ आपको क्लास के बारे में, फिर अपन डाउट सेशन चालू करेंगे। जी जैसे मैं बताइए, जो सर की क्लास है ये संडे को, कमिंग संडे को है, परसों दिन के 11:30 बजे से चालू होके दोपहर के 2:30-3 बजे तक क्लास चलेंगी। एक ही दिन की क्लास है। इस क्लास के हम रिकॉर्डिंग और पीडीएफ देंगे, सर्टिफिकेट इस क्लास का नहीं देंगे आप लोगों को। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है ट्रिपल लाइन है, 999 रुपीज, लेकिन जो रात के 12 तक पेमेंट करेंगे आज, उसके लिए 55% का डिस्काउंट है। उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज रहेगी, उसके लिए फीस रहेंगी 456 रुपीज, 456। ये उसकी आज की डिस्काउंटेड फीस है इस कोर्स की। इस कोर्स की कंटेंट तो सर ने आपको बता दी है, इसमें शादी और बच्चों को लेकर पूरा का पूरा कवर किया गया है। इवन तक ये भी कवर किया गया है कि आपकी जो होने वाली धर्म पत्नी है, आपका जो भी या धर्म पति है जो भी है, वो कौन से डायरेक्शन से आएंगे वो भी आपको बताया जाएगा। हमारे जो पेमेंट डिटेल आपके सामने है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो ये 999-3695555 पे कॉल करके व्हाट्सएप पर की पूछ सकते हो। हमारा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर भी वन एक ही है, सेम नंबर है। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भी ये नंबर में भेजना है। आपको सभी चीज एक ही नंबर पे करना है जो आपके सामने नंबर दिया जा रहा है। थैंक यू। पूजा जी बोलिए। जय सर, सर तो हर बार ना बम फटाते हैं पूरा। बोलो बोलो। हमें ना वो बना रहे हैं, हेडमास्टर बना रहे हैं सर। जब क्लाइंट से बात करते हैं तो वो तो हैरान रह जाते हैं, इतना कुछ बता रहे हो आप। तो मेरी शादी 23 साल में हुई थी, तो पूरा करेक्ट निकला है मेरा भी। थैंक यू। ये तो फॉर्मूले दे दे, 80% लोगों में एक्यूरेट जाते थे, 100% एक्यूरेसी किसकी नहीं रहेंगी। लेकिन जो सर बताते हैं, हमारे जितने प्लेटफॉर्म जो भी लोग आते हैं, वो आपको 80% तक एक्यूरेट पक्का पहुंचा देंगे, वो भी फ्री ऑफ क्लास में, फ्री की क्लास में। पेड क्लास में तो भी उसके ऊपर ही देने की कोशिश करते हैं। जी सर, तभी तो हमारी बातों का जवाब नहीं देते, इतने बिजी रहते हैं। सर को अभी पूरी क्लासेस फुल है ना, वेट करो, सबका जवाब मिलेगा। 2-4 दिन रुक जाओ, सबके जवाब आ जाएंगे। थैंक यू सर, वो इतने अच्छे पढ़ा रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। दिनेश जी बोलिए। दिनेश जी सर, दिनेश जी आप बोलिए। सर ये बताइए, खैर मैं तो, सर आप बोल ही रहे हो 80% है, लेकिन उस हिसाब से मेरा तो नहीं बनता, पर सर मैरिज का योग है या नहीं ये कैसे मालूम पड़ेगा? वो कवर करेंगे ना क्लास में आएगा, वो नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे जी। जो पेट का, जो हमारे संडे को पेट क्लास है, उसका कंटेंट है वो, ठीक है। पर सर मेरे पास एक्चुअली पेटीएम या गूगल पे नहीं है, मैं तो नेट बैंकिंग से कर सकती हूँ। आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं, हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ लेना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके सर। हाँ शशि भूषण जी बोलिए, बधाई हो आपको। लैंड प्रॉपर्टी में थोड़ा सेटबैक, इसलिए
सर मेरा क्वेश्चन है कि जो मैथ में किंग इसमें कवर होगा क्या? हाँ मैं बता दूंगा कैसे क्या। अच्छा, जो आप गुड़ जो जो गुड़ मिलान करते हैं वो नहीं, मैं आपको नया तरीका बताऊंगा। गुड़ मिलान तो पुराना हो गया, फेल हो जाता। हाँ क्योंकि बच्चों के लिए कौन सा लड़की ठीक सही होगा कि लड़की के लिए कौन सा बेटा ठीक है, आपको पता चल जाएगा, मैच मेकिंग पता चल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। योगिता जी बोलिए। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। सर पीयूष सर, थैंक यू सो मच। मैं सेकंड टाइम आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी हैप्पी टू मीट यू सर। ये जो आप जी सर, मेरा एक एग्जांपल लेना था, जैसे फॉर एग्जांपल मेष राशि की कुंडली है, मेष लग्न है, तो सात राशि सातवें घर में आएगी सर। तो जो मैं फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जो पर्सनली बहुत अग्रेसिव रहेगा, क्योंकि सातवीं राशि आपने बोला कि वो बैलेंस वाली राशि है और उसमें एग्रेशन नहीं रहेगा, वो अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और लेकिन वही है कि थोड़ा सा जो स्वभाव रहेगा व्यक्ति का कि वो ज्यादा सोच समझ कर रिलेशनशिप करने वाला होगा जी। तो सर ये जो सेवंथ राशि में जो इस व्यक्ति की कुंडली है उस व्यक्ति का व्यवहार ऐसा रहेगा और साथ में स्पाउस भी इसी तरह व्यवहार करने वाला मिलने की संभावना है? मिलेगा ही, संभावना छोड़िए। अच्छा, और जो जिसकी कुंडली है वो भी व्यक्ति? हाँ वो भी। अच्छा, लेकिन उसका जो बेसिक नेचर तो अलग होगा ना सर? बेसिक नेचर उसका वही होगा जो लगन में होगा, रिलेशनशिप में वो नेचर होगा। अच्छा, रिलेशनशिप में वो सेवंथ? हाँ, हम हर जगह अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं ना, ऑफिस में अलग, घर में अलग, स्पाउस से अलग, बच्चों से अलग, बस। राइट सर, ओके। तो रिलेशन में सेवंथ रिलेशन में मैरिज रिलेशन में उसका व्यवहार सेवंथ राशि के हिसाब से व्यवहार रहेगा जी। जी ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस की बोलिए। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। प्रणाम सर जी। प्रणाम। नहीं, मेरे को वही जो भी मैडम ने पूछा वही पूछना था कि जिस में नंबर रहता है ना राशि का नंबर, तो जैसे भी पति का है तो पति का गुण वैसा रहेगा या वो पति का मतलब खुद का जातक का रहेगा? रिलेशनशिप में उस इंसान का भी गुण होगा, उसका स्पाउस भी वही गुण होगा। अच्छा अच्छा, दोनों को मैच करेगा? मैच नहीं करेगा तो शादी कैसे? अच्छा अच्छा, नहीं मतलब मैच नहीं खाता तो फिर वो मगर? नहीं नहीं, मैच करता है, बिल्कुल करता है। देखिए परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता होगा भाई, चार्ट सितर वैसे आप समझे नहीं। वो जो सेवंथ हाउस है जिसके चार्ट पे, वो उसका बिहेवियर नहीं बता रहा, उसका बिहेवियर तो लगा ना ओवरऑल, बट मैरिज या रिलेशनशिप में कैसा बिहेवियर होगा वो बता रहा है केवल सेवंथ। दोनों का बिहेवियर करेगा? हां, पत्नी का की? बिल्कुल। पत्नी का बिहेवियर कैसा रहेगा वो? हां पति, आप समझे नहीं सर, आप लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। आप देखिए, ये जो फर्स्ट हाउस है जिस इंसान का चार्ट, ये उसका ओवरऑल बिहेवियर है, ठीक है। लेकिन सेवेंथ हाउस में जो साइन बैठा वो मैरिज में कैसा बिहेव कर रहा है ये यहाँ से देखिए। मतलब मैरिज में पत्नी कैसा बिहेव करेगी या दोनों के बीच में बिहेव कैसा रहेगा वो बता रहे हैं फॉर? आप छोड़िए, आप कंफ्यूजन मत, आप है मान लेते हैं फर्स्ट हाउस, ठीक है। तो सेवेंथ हाउस ये बता रहे हैं आप अपनी वाइफ से कैसे बिहेव। अच्छा अच्छा, वो अच्छा सातवें नंबर के हिसाब से जी। अब दोबारा आप पूरी बात सुनिए, फिर यही सेवंथ हाउस ये बताएगा कि आपकी वाइफ का भी बिहेवियर कैसा होगा। अच्छा, उसका नहीं, ठीक उसका जी। अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया, धन्यवाद। ओके वेलकम। सोनी जी बोलिए। सोनी जी हेलो। हेलो, हाँ गुड इवनिंग पीयूष सर। मुझे ये पूछनी थी कि आप जैसे वो मैरिज वाले क्लासेस में आप ये भी बताएंगे कि किस रीजन से शादी नहीं हो रही है? जिस रीजन से होनी, जब वो जान जाएंगे तो इसका मतलब बाकी रीजन से नहीं होनी। अच्छा हाँ, रीजन आप पूछ रहे हैं ना, हाँ वो बताएंगे, डिनायल के योग सब कुछ। हाँ जी, जैसे कुछ लड़कियों का ऐसा होता है कि शादी नहीं होता है। हाँ, लड़की लड़के आ भी रहे होते हैं तो नहीं होता, तो इसके बारे में आप बताएंगे सब सब? ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। सर जो मैंने अपना कुंडली बनाया है, मतलब कि सर जो सेवंथ हाउस का सर, उसका सर एक बार फॉर्मूला को देखना सर। जैसे कि सर इसमें जो समय मेरा सेवंथ हाउस में टू है, तो टू प्लस एट करेंगे पहले तो टेन आएगा, फिर का सर फाइव हम लोग हमेशा ऐड करते रहेंगे जी। हाँ, तो जैसे कि सर जो ये सीक्वेंस जाएगा 10 15 20 25, तो ये सर ये तो फिर सर हर टाइम जाते रहेगा। जाता कैसे रहेगा, कॉमन सेंस की बात होगी ना कि आजकल 18 20 से पहले होता नहीं,
मैरिजेबल एज क्या होता है, 20 से 35, 36 वर्ष, yes, उसके बाद तो बहुत डिले है, इसका मतलब होना ही नहीं या डिले का ही होगा फिर आपके चार्ट में। मतलब सर तो इसका कोई यूज नहीं है जो बाद में आ रहा है? नहीं बाद में आ रहा है, उसका यूज है। वो उस एज में भी आपकी मैरिज हो भी गई तो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, डिवोर्स भी आ सकता है ना उसमें किसी, यस सर ठीक है, लड़ाई झगड़ा कोई हो जाए, मतलब जो एनिवर्सरी ऐसा होता है ये भी इसी के हिसाब से है। अरे एनिवर्सरी तो आपकी फिक्स हो तो हर साल होगी ना, ठीक है, मतलब और कोई इम्पोर्टेंट इवेंट आएंगे जैसे चाइल्ड बर्थ हो गया, डिवोर्स हो गया, कोई और बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट हो, मान लेते हैं गेस्ट हाउस होगा जी, ऐसा सिचुएशन जो होगा वो जीवन में आ जाए जी। तो थैंक यू सर, बिल्कुल दो भी हो सकता है ना किसी का, हाँ बिल्कुल। ऋतु जैन जी बोलिए। हेलो प्रणाम सर, सर वंडरफुल सेशन। सर मुझे आप थोड़ा सा एक्वेरियस के बारे में थोड़ा सा और बताइए, मुझे बहुत कंफ्यूजन रहता है इस साइन को लेकर। क्या कंफ्यूजन, एक्वेरियस का बिहेवियर होता है उसके लॉर्ड सैटर्न और राहु, एक्वेरियस वाले बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं बट शांत होते हैं, कहते नहीं है, कोल्ड होते हैं बट बहुत चैरिटेबल होते हैं, चैरिटी बहुत करते हैं, बहुत उतना एक्वेरियस वाले फ्रेंडली नहीं होते पर चैरिटेबल जरूर होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन सबसे ज्यादा। वो आपको एक्वेरियस वाला इंसान कभी ये नहीं दिखाएगा कि आपका फ्रेंड है क्या, मिलेगा नहीं जल्दी, लेकिन हेल्प करने जरूर पहुंचे, ये होता है। आप म्यूट, इट मींस सर अगर 11 नंबर जी, सर इट मींस अगर 11 नंबर अपना 7th हाउस में आ रहा है तो जो स्पाउस होगा उसका भी यही बिहेवियर होगा। थैंक यू। हेलो सर, राधे राधे सर। जी राधे राधे। सर मुझे पूछना है, जो आप ये कैलकुलेशन बता रहे हैं ना, तो जैसे मेरा नेट चला गया तो मेरा नहीं निकल गया, आपने कैसे कैलकुलेशन बताया थोड़ा सा? रिकॉर्डिंग रहेगा सुन लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, वेलकम। बंटी जी बोलिए। हाँ सर, कुछ पॉइंट तो समझ में आते हैं कि हाँ हेल्थ इशू वो स्पाउस को होगा या फिर वो पर्सन को होगा, ये कंफ्यूजन है। और मतलब 11th का ही मैं बात करती हूँ, इसमें है कि 7th हाउस में 11th राशि आ रही है, भाव है, तो उसमें एल्डर सिबलिंग का रिलेशन में रोल होगा, तो ये जो नेटिव है उसका है 7th हाउस में 11, तो उसके एल्डर सिबलिंग का रोल होगा या पार्टनर के एल्डर सिबलिंग का रोल होगा? दोनों का होगा। कैसे? जिसका है उसके तो एल्डर सिबलिंग का रोल होगा ही, और जिस जो पार्टनर है उसकी लाइफ में भी एल्डर सिबलिंग एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे, तो उनका जो पार्टनर होगा या तो एल्डर सिबलिंग से बहुत अटैच होगा या एल्डर सिबलिंग का सपोर्ट होगा या एल्डर सिबलिंग से बिल्कुल नहीं बन सकता। हाँ ये सच है कि पार्टनर के मतलब पूरा माँ जैसा बढ़ा गया है उन्होंने, वो है, तो वही एक कंफ्यूजन था। हेल्थ इशू पार्टनर को आएंगे या वो नेटिव को आएंगे? हेल्थ इशू वाला पार्ट पार्टनर के लिए, नेटिव के लिए। ओके ओके ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। सचिन जी बोलिए। सचिन नमस्ते सर, मुझे ये पूछना था कि ये 8 और 5 जो अंक लिया है उसका बेस क्या है, किस तरह से वो लिया है? देखिए 5 नंबर जो लिया है, देखिए ये बेसिकली चंद्रकला नाड़ी का, अच्छा अच्छा नाड़ी नाड़ी ओके, और 5 का क्या आता है? ये पूरा वहीं का टेक्निक। ओके 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 चल, थैंक यू सर। ओके बोलिए। हेलो हेलो, राधे राधे जी। राधे, इसमें आप डिले मैरिज के वो भी बताएंगे क्या, बताएं। उपाय रेमेडीज क्या करना चाहिए सब कुछ? थैंक यू सर। सर आपने जो 8 नंबर का बताया, एक्चुअली मेरा नेट चला गया था, मेरा वो नहीं हो पाया, तो रिकॉर्डिंग है सुन लीजिए विद एग्जांपल। ओके जी, थैंक यू सर। ये बल्टी जी आप खुद का नहीं कर पा रहे हो क्या? सबके डाउट हो गए सर, कल मिलते हैं फिर जी सर, आज तो हम 9 बजे फिर से चालू करेंगे। कल का क्या टॉपिक रहेगा सर बता दीजिए।
कल का टॉपिक ये रहेगा प्रोफेशन कैसे देखें। सर हम प्रोफेशन की बात करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय सर आप सभी लोगों को। गुड नाइट।